नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस चैनल यानी कि मूवीज भक्त में एक बार फिर से। और दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे, आज से लगभग 3 दिनों पहले बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई बॉलीवुड की हॉरर कॉमेडी फिल्म यानी कि मुंजिया फिल्म के शुरुआती 3 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और बात करेंगे कि मुंजिया फिल्म ने अपने शुरुआती 3 दिनों के अंदर जो है टोटल कितने रुपये की कमाई की है, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या हो चुकी है फ्लॉप। तो दोस्तों, बता दूं कि मुंजिया जो कि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिस फिल्म में यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं अभय वर्मा और उनके साथ देखने को मिल रही है सरवरी बाग। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि यहां पर इस फिल्म को जो है बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही ऑडियंस की तरफ से जो है काफी कमाल का रेस्पॉन्स देखने को मिला है, और यह फिल्म फैमिली ऑडियंस हो या नॉर्मल ऑडियंस हो, सभी को जो है काफी ज्यादा एंटरटेनिंग भी जो है लग रही है। और इसी के चलते इस फिल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ निकल कर आया है वो भी जो है काफी ज्यादा पॉजिटिव है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि काफ़ी कम बजट के अंदर बनी फिल्म मुंजिया ने जो है अपने शुरुआती 3 दिनों के अंदर ही जो है बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी कमाल की जो है यहां पर कमाई अपने शुरुआती 3 दिनों के अंदर ही जो है करके दिखाई है। जी हां दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दूं कि मुंजिया फिल्म ने जो है अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर से जो है ऑल इंडिया टोटल नेट कलेक्शन करा था लगभग 4,21,00,000 रुपये का। वहीं इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर से जो है टोटल 7,40,00,000 रुपए का जो है टोटल ऑल इंडिया नेट कलेक्शन जो है किया है। यानी कि दोस्तों, इस फिल्म का शुरुआती 2 दिनों का जो टोटल ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है वो हो रहा है लगभग 11,61,00,000 रुपए का। वहीं इस फिल्म का ऑल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन तकरीबन जो है 14 करोड़ रुपए का जो है हो रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें इस फिल्म के अब तीसरे दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दूं कि यह फिल्म अपने तीसरे दिन जो है बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। और आज जो है संडे है, और संडे होने की वजह से फैमिली ऑडियंस जो है इस फिल्म को जो है काफी मात्रा में देखने आ रही है। और जो ऑक्यूपेंसी आज इस फिल्म ने जो है अपने पूरे दिन दर्ज करी है, उसके मुताबिक यह फिल्म जो है अपने तीसरे दिन यानी कि अपने पहले संडे को जो है बॉक्स ऑफिस पर टोटल लगभग जो है 9 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन और तकरीबन 10.5 करोड़ रुपए के रेंज में जो है ऑल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन यह फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर से जो है करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि अब इस फिल्म ने जो अपने शुरुआती 3 दिनों के ही अंदर लगभग 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जो है नेट कलेक्शन कर लिया है, और काफी ज्यादा चांसेस है कि यह फिल्म जो है आने वाले वीकडेज के अंदर भी बॉक्स ऑफिस पर से जो है काफी अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। और अभी इस फिल्म के पास जो है अभी लगभग यहां पर से जो है 4-5 दिन का जो समय है वो आसानी से बचा है, और उम्मीद है कि यह फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में जो है तकरीबन 40 करोड़ रुपए की जो कमाई है वो तो आसानी से करी ही जाएगी। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो बजट है वो काफी कम है, जिसके चलते इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर से जो है हिट होना अब जो है काफी आसान है। हालांकि दोस्तों, आप बताओगे आपने अगर मुंजिया फिल्म देखी तो आपको यह फिल्म कैसी लगी हमें जो है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे और आपके इस चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।